कई सारे इंसान, उनसे पूछा जाए कि कितने मालिक है, तो कहते हैं सबका मालिक एक। हाउ मेनी गॉड्स डू यू बिलीव इन, बोले वी बिलीव इन वन गॉड, मैं मानता हूं कि एक ही गॉड है, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह ही के हाथ में है, फिर भी अल्लाह के साथ औरों को शरीक करते हैं, फिर भी गॉड के साथ दूसरों को मिलाते हैं। ये सारे इंसानों में ये प्रॉब्लम मिलता है। इसी वजह से स्कॉलर्स ने इस मौजू को समझने के लिए बिल इत्तेफाक इजमा है इस मौजू पर, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी एक चीज में तो पास होता है, दूसरे में फेल हो जाता है। कभी ऐसा होता है पहले और दूसरे में पास है, तीसरे में फेल हो जाता है। तो मैं आप सबको उभारूंगा 100% इस मौजू में ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें 100% पास होना जरूरी है। हाँ, पहला मौजू, और वो है अल्लाह ताला की रुबूबियत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। लफ्ज रुबूबियत रब से आता है। रब कहां सुना है हमने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह की जो सारे जहानों का रब है। रब जो है अल्लाह के अलावा कोई और रब नहीं है, रब सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह अनाम में सूरह 6 आयत नंबर 164, कुल गैरल्लाह अबगी रब्बन, क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को मेरा रब बनाऊं? तो रब कौन है? अल्लाह है। रब के अंदर क्या क्या मीनिंग आती है? रब का मतलब है पालनहार, चलाने वाला उसमें। लेकिन माने क्या क्या है उसमें? एक बात यह है कि खालिक अकेला अल्लाह है। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 62, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैई, अल्लाह ही है बनाने वाला हर चीज का। हर चीज का बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। खालिक हर चीज का खालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह यहां तक कि हम जो चीज बनाते हैं उसका भी खालिक अल्लाह है, क्योंकि कुरान की आयत है कि अल्लाह ने तुम्हें भी बनाया और जो तुम बनाते हो उसे भी अल्लाह ने बनाया। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम कुछ करें सिवाय अल्लाह की मर्जी से। करने वाला हकीकत में अल्लाह है, तो अल्लाह ही है बनाने वाला। कायनात में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा कोना नहीं है जिसे अल्लाह के अलावा किसी और ने बनाया। नंबर दो, मालिक, मालिक अकेला अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई और मालिक नहीं है। कुरान में आता है लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन पर है। जो कुछ आसमानों में है वो अल्लाह का है, जो कुछ जमीन पर है वो अल्लाह का है। हर चीज का मालिक कौन है? ये बताइए, ये फोन ये कौन सी कंपनी ने बनाया? ये सैमसंग का है। हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। हाँ, मालिक कौन है इसका? मालिक, मालिक कौन है? आप हैं? कौन, किसका फोन है भाई? आपका ही है ना? मालिक आप हैं। बनाया सैमसंग ने, बनाने वाला अलग है, मालिक अलग है। अब सोचो कि अगर ये फोन रो रहा है तो बनाने वाली कंपनी कुछ इस फोन के लिए कर सकती है? सैमसंग कुछ कर सकता है अगर ये फोन खुश नहीं है? सपोज, तो सैमसंग इस फोन के लिए कुछ कर सकता है? कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सैमसंग मालिक नहीं है, उसने किसी और को मालिक बना दिया। अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बनाया तो सही उसने, लेकिन मालिक किसी और को बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे नहीं किया। अल्लाह ही खालिक है और अल्लाह ही हर चीज का मालिक कौन है? तो ये फोन का मालिक कौन है? हकीकत में हमारे पास जो चीजें हैं ना, वो हम हकीकी मालिक नहीं है। क्योंकि अगर हम हकीकी मालिक होते तो दुनिया से जाते तो लिखे जाते कि भाई फलां का इंतकाल हो गया, उनका फोन भी गया, लेके गए अपने फोन को। लेकिन हम देखते हैं कि हम जाते हैं तो हमारा फोन तो यही रह जाता है और हम लोग निकल जाते हैं और फिर कोई और मालिक बन जाता है। तो पता चला कि हम लोग हकीकी मालिक नहीं है, हम लोग टेम्पररी मालिक है, आजमाने के लिए। जो चीजें हमारे पास है ना वो अल्लाह की, बल्कि हम खुद अल्लाह के, हमारा मालिक अल्लाह है। अल्लाह हर चीज का मालिक है, आसमानों में, जमीन में, जो कुछ दोनों के दरमियान है, सारी चीजों का मालिक कौन है? अल्लाह है। और चलाने वाला कौन है? अल्लाह है। फैक्ट्री बनाई इंजीनियर ने, मालिक कोई और है, चलाने वाला कोई और है। अल्लाह ताला खुद खालिक है, खुद मालिक है, खुद चलाने वाला है। सूरह सजदा की आयत है सूरह 32 आयत नंबर 5, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्द, अल्लाह आसमानों से लेकर जमीन तक हर चीज की तदबीर, प्लानिंग करने वाला कौन है? अल्लाह है। हर चीज किसके हाथ में? कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह के हाथ में तमाम चीजें, हम लोग कौन है? हम लोग खुद प्लान के मुताबिक चलते हैं। लोग 5 ईयर प्लान बनाते हैं लेकिन प्लान फाइनली चलता है तो अल्लाह का प्लान चलता है। हाँ,
कहां पे जलजला आना है, कहां पे क्या होना है, हम लोग जाके फूड पैकेट बांट रहे बाद में। लेकिन सही बात क्या है, करने वाली प्लानिंग अल्लाह ही की चलती है। तो अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही चलाने वाला है, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है। कई बार क्या होता है, यहां तक बात समझ में आती है, रिस्क जब आता है तो लोग समझते नहीं रिस्क तो बॉस दे रहा है। हाँ, तो अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाया, सूरह हूद में सूरह 11 आयत नंबर 6 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाही रिस्कुहा, कोई जानदार नहीं है जमीन पर लेकिन उसका रिस्क अल्लाह के हाथ में। रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह है। जिंदगी देने वाला कौन है? मौत देने वाला कौन है? अल्लाह। हर चीज अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह ही है जिसने तुम्हें बनाया, थुम्मा रज़क़कुम, तुम्हें रिज़्क़ दिया, थुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदगी दी, थुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत देगा। हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारा कोई शरीक है, मन यफ़अलु मिन ज़ालिका मिन शैई, जो इन सब में से कोई चीज करता है। तो मेरे भाइयों, हम देखते हैं कि जो लोग शरीक करते हैं ना अल्लाह के साथ, उनके हाथ में कुछ नहीं है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। जो शरीक करते हैं ना लोगों को, उनके हाथ में वो खुद मखलूक है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, सूरह फातिर सूरह 35 आयत नंबर 13, कि वल्लदीना तदउना मिन दूनिही मा यमलिकुना मिन कितमीर, वो जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के अलावा, वो तो कितमीर के भी मालिक नहीं है। कितमीर क्या है? खजूर के अंदर बीज है, बीज के ऊपर एक छिलका होता है, ट्रांसपेरेंट, कोई टेस्ट नहीं होता उसका, कीमत के एतबार से कोई कीमत नहीं होती है। ऐसी चीज के भी वो लोग मालिक नहीं है। कौन लोग? अल्लाह के अलावा जिन्हें लोग पुकारते हैं, जिनसे लोग मांगते हैं, वो लोग किसी चीज के मालिक नहीं है। हर चीज का मालिक कौन है? अल्लाह है। अच्छा, हम अरबी जुबान में अल्लाह कह रहे हैं लेकिन सारे इंसानों का मालिक एक ही है। कोई इंसान चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, सबका मालिक एक है। कोई हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईसाई, सबका बनाने वाला अलग अलग तो नहीं है, सबके मालिक एक ही है। हम उसी मालिक के बारे में बात कर रहे हैं। कोई शख्स उसे गॉड कह रहा है लेकिन सही बात है, सबका मालिक एक है, उसके हाथ में सब कुछ है। वही बनाने वाला है, वही मालिक है, वही चलाने वाला है, वही रिस्क देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है, वही औलाद देने वाला है। उसी के हाथ में सारी नेमतें देना है, उसी के हाथ में है आजमाइशें देना, उसी के हाथ में है बीमारी देना, उसी के हाथ में है शिफा देना। शिफा देना किसके हाथ में? अच्छा, डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि अब ऊपर वाले से मांगो। जब हार जाते हैं वो लोग, लास्ट स्टेज होता है ना, कहते हैं अभी ऊपर वाले से मांगो, अब वो ही बचा सकता है। सही है गलत है? सही है गलत है? कौन बोला गलत है? एक कौन बोला गलत है? हाथ उठाओ। एक दो लोग बोल रहे हैं गलत है। क्या गलत है इसमें? हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। बारकल्लाहु फी। क्या नाम है आपका? फैज़। भाई अल्लाह के इल्म में और इजाफा कर। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? वो जो कहते हैं ना कि अब वो बचा सकता है, यानी क्या है? लोग समझते हैं कि हम लोग पहले बचाने वाले थे, अभी हम लोग हार गए, अब उससे मांगो। हालांकि शुरू में कौन बचाने वाला था? डॉक्टर्स। शुरू में भी अल्लाह बचाने वाला था। डॉक्टर कौन है? जरिया है। दवा क्या है? जरिया है। शिफा किसके हाथ में? अल्लाह चाहे तो बहुत सी दवाएं लिए फिर भी शिफा नहीं हुई। हाँ, और अल्लाह चाहे तो बगैर दवा के भी कोई ठीक हो जाता है। हाँ, तो बीमारी देना किसके हाथ में? शिफा देना किसके हाथ में? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, नहीं है कोई हरकत ना कुव्वत सिवा अल्लाह की तरफ से। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आप जाके किसी को फायदा पहुंचा सकते हो, तो याद रखो हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम जाके कुछ भी कर सकते हैं सिवा अल्लाह की मर्जी के। अल्लाह इजाजत देगा तो ही वो चीज होगी, अल्लाह इजाजत देगा तो ही वो फायदा पहुंचेगा। हाँ, हम जरिया बनेंगे लेकिन अल्लाह की मर्जी होगी, वो अल्लाह की मर्जी होगी तो ही फायदा सामने वाले तक पहुंचेगा। नहीं है कोई हरकत ना कुव्वत सिवा अल्लाह की तरफ से। तो हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, और ये आयत को याद करिए, सूरह यूनुस की आयत है, सूरह 10 आयत नंबर 107, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, अगर अल्लाह तुम तक कोई तकलीफ पहुंचाए। तकलीफ देना किसके हाथ में? लोग क्या समझते हैं कि अल्लाह के हाथ में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें हैं, आजमाइशें, तकलीफें, मुश्किलें, ये किसी और के हाथ में। हालांकि आजमाइशों से बचाने वाला भी अल्लाह है, आजमाइशें देने वाला भी अल्लाह है, मुश्किलों से बचाने वाला भी अल्लाह है, मुश्किलें देने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, अच्छा बुरा सब कुछ। वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, अगर अल्लाह तुम तक कोई तकलीफ पहुंचाए, फला का शिफा लहू इल्ला हुआ,
उस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के, कोई तकलीफ दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, वो तकलीफ देना भी अल्लाह के हाथ में, तकलीफ से बचाना भी अल्लाह के हाथ में, तकलीफ आ गई तो दूर करने वाला भी अल्लाह है। फिर ऐसा क्यों होता है कि लोग बोलते हैं ए फला मदद, मदद करने वाला कौन है? अल्लाह है। एक मुसलमान के लिए जरूरी है, जिसने ईमान लाया उसके लिए जरूरी है कि वो माने कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। तो अल्लाह मदद करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह नहीं देना चाहे तो कोई दे नहीं सकता, अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वही युरिद का भी खैरिन, अगर अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चाहे फला रौद दली फदली, उसकी नेमत को तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह देना चाहे तो कोई नहीं रोक सकता। लोग बोलते हैं काली बिल्ली रास्ता काट गई, अल्लाह नेमत देना चाहे वही युरिद का भी खैरिन फला रौद दली फदली, अगर अल्लाह खैर देना चाहे अल्लाह की नेमत को हम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। काली बिल्ली रोक सकती? काली बिल्ली के हाथ में क्या है बेचारी? काली बिल्ली तो खुद मोहताज है। हाँ, काली बिल्ली खुद मोहताज है भाई, कोई पकड़ के अगर उसे तकलीफ पहुंचाए तो क्या कर सकती है? वो कहां से किसी पे अच्छे और बुरी की मालिक है? लोग बोलते हैं निशानी है। एक बार ऐसा हुआ था कि एक दर्स के अंदर एक भाई ने कहा था नहीं कुछ चीजें निशानी होती, काली बिल्ली निशानी है कि कुछ तो प्रॉब्लम आने वाला है। तो ऐसी कोई निशानी कुरान और हदीस से साबित नहीं है, कोई गैबी बात होती, कोई ऐसी चीज होती, कोई ऐसी निशानी साबित नहीं। हाँ, अगर शेर रास्ता काट गया तो जरूर यह निशानी है कि प्रॉब्लम आने वाला है। हाँ, निशानी है भैया, आदमी देख के समझ सकता है अभी तो प्रॉब्लम आने वाला है, बल्कि आ गया प्रॉब्लम, भागो वहां से। तो मैं हम देखते हैं कि अच्छा बुरा सिर्फ अल्लाह के हाथ में। लेकिन लोग जो है ना इस चीज में बहुत सी चीजों को शरीक करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि कोई पत्थर में कोई ताकत होती है, कुछ खसूसी पत्थर होते हैं। लोग बोले ये पत्थर के अंदर ये फिरोजी बर्थ स्टोन है हमारा। वही यूरिद का भी खैरिन फला रौ दली फदली ही, अगर अल्लाह अच्छा चाहे कोई उस नेमत को तुम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अच्छा बुरा किसके हाथ में? किसी पत्थर के हाथ में नहीं है। फेंग शुई की घंटी लोग लटकाते हैं, बोले ये टिंग 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 बजता है, इससे गुड लक आता है। गुड 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 एंड बैड किसके हाथ में? अगर आप मान लो कि घंटी के हाथ में है, मखलूक इंसान ने बनाया, खुद उस बन नहीं सकती थी जब तक किसी ने उसे बनाया नहीं। हाँ, वो खुद मोहताज है, उसे कोई वहां लटकाएगा, हवा आएगी हिलाएगी तो हिलेगी, उसके अंदर कुछ ताकत नहीं है। उसके अंदर कहां से ताकत आ गई? घोड़े का नाल घरों के बाहर लटकाते, बोले घोड़े के नाल में कुछ ताकत है। हाँ, क्या है मामला? कुछ ताकत नहीं है। अच्छा बुरा किसके हाथ में? कुछ लोग बोले बच्चे को काला टीका लगा दो, नजर नहीं लगेगी। काले टीके में क्या है? काले टीके में क्या है? कुछ नहीं है। बोले काला धागा बांध दो, नजर नहीं लगेगी। काले धागे में क्या है? कुछ नहीं है। किसके हाथ में है? देखिए, यहां पे दावत हमारी ये है कि सब पर ईमान मत रखो, ईमान उस जात पर रखो जिसके हाथ में हकीकी तौर पे सब कुछ है। जिसके हाथ में सब कुछ है उस पर ईमान रखो। हाँ, तो ये हो गई एक बुनियादी बात हम सबके लिए। और हम देखते हैं कि ये चीज के ताल्लुक से जो इंसानों में इख्तिलाफ है, तो मैं तीन दलाइल कुरान और हदीस से हम देखने वाले हैं अभी लोगों के लिए। पहली दलील सूरतुल अंबिया की एक आयत है, सूरह 21 आयत नंबर 22। अल्लाह ताला ने फरमाया वलो काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के अलावा और माबूद होते फसाद हो जाता। भाई गाड़ी के अंदर दो ड्राइवर हो जाए, एक राइट से खींचे एक लेफ्ट से खींचे, एक एक्सेलरेटर दबाए एक ब्रेक दबाए, तो वो गाड़ी का क्या हाल हो जाएगा? जरा सोचो कि अगर इस कायनात में अल्लाह के अलावा और माबूद होते लफसदता, यकीनन फसाद हो जाता। तो कायनात को देखकर यूनिवर्स को देखकर क्या पता चलता है? एक ही के हाथ में नहीं है ऐसा फसाद, एक ही के हाथ में सब कुछ। यहां तो नाजुक नाजुक बैलेंस है यूनिवर्स में, थोड़ा सा अगर जमीन ऑर्बिट आउट हो जाए तो आखिर में जाकर जमीन सूरज से टकरा जाएगी। ये ऑर्बिट परफेक्ट ऑर्बिट है, एक एक परफेक्ट डेलिकेट बैलेंस है। सब चीज देख के पता चला एक ही के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि अगर और होते तो फसाद हो जाता। सूरह मोमिनून सूरह 23 आयत नंबर 91 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई बेटा नहीं जन्मा, अगर ऐसा होता हर कोई अपनी बनाई हुई चीज लेकर अलग हो जाता और कोई दूसरे को हराने की कोशिश करता। और सूरह यूसुफ में सूरह 12 आयत नंबर 41 में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने जेल के साथियों से कहा, और कितना प्यारा सवाल पूछा, अइलाहुन मुतफर्रिकुन खैरुन अमिल्लाहु वाहिदुल कहार, क्या बहुत सारे माबूद आपस में इख्तलाफ करने वाले बेहतर है या एक अल्लाह जबरदस्त ताकत वाला? क्या सवाल पूछ रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम?
कहा सोचो, या साहिबिया सिजन, ऐ मेरे जेल के साथियों, जेल में है लेकिन मैसेज पहुंचा रहे हैं, पैगाम पहुंचा रहे हैं। क्या पहुंचा रहे हैं मेरे जेल के साथियों, जरा बताओ क्या बहुत सारे माबूद आपस में इख्तलाफ है, ये बेटर है ये एक अल्लाह जबरदस्त ताकत वाला, तुम्हें दो में से कौन सी बात सही लग रही है, सवाल पूछा उन्होंने। और क्या सवाल है, कितना प्यारा सवाल है मेरे भाइयों, ये सवाल में बात वाज हो रही, क्या बेटर है बोलो, एक सोचो जरा, एक सोचो जरा। कोई जगह है जहां 10 मैनेजर आ गए, एक जगह है यहां पे 10 मैनेजर आ जाए, एक बोले कि भाई ये कैमरा यहां रखो, दूसरा कहे टेबल यहां रखो, तीसरा बोले यहां करो वहां करो, 10 लोग अगर 10 दिमाग एक ही जगह मैनेज कर रहे हैं, हाँ तो क्या हाल हो जाएगा, अगर एक कंट्री के 10 प्राइम मिनिस्टर हो जाए, हाँ एक कंपनी के 10 प्रेसिडेंट हो जाए, हाँ एक सोसाइटी के 10 सेक्रेटरी हो जाए, वो बेटर है कि एक बेटर है, हाँ अरे एक रखो, वो एक हो या तो 10 आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही दोनों का एक दूसरे का प्रॉब्लम होता रहेगा, कोई दूसरे को हराने की कोशिश करेगा, कोई अपने कंट्रोल में चीजें लेने की कोशिश करेगा, मेरा इतना कंट्रोल है तुम्हारा इतना कंट्रोल है, वही चलता रहेगा। तो यहां क्या मामला है कि एक अल्लाह जबरदस्त ताकत वाला जिसके हाथ में सब कुछ है, तो ये वाजे बात है। चलिए अभी हम यहां पर टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे कि इनमें से कौन सी चीज आप सही कह रहे हो। हाँ आपसे सवाल यह है कि 13 नंबर, आपने सुना होगा 13 नंबर की कहानी, क्या है 13 नंबर के बारे में मशहूर, अनलकी नंबर। क्या आपको पता है बहुत से स्काई स्क्रिपर्स में 13th फ्लो ही नहीं होता है, कुछ एयरलाइंस में 13th रो ही नहीं होता है, क्योंकि 13th रो किसी को मिल रहा है, 13th नंबर मेरा आ गया। हाँ अब आदमी पूरी फ्लाइट में बैठा है घबराए हुए कि पता नहीं क्या होने वाला है, और फ्राइडे तो 13th आ जाए, हाँ तो बहुत बोले फ्राइडे और 13th मिक्स हो गया, तो उसके ताल्लुक से और अलग कहानी है। क्या कह रहे हो, 13 नंबर के हाथ में है कुछ, हाँ क्यों नहीं, अच्छा बोलो आप लोग बोलो, 786 के हाथ में है कि नहीं, नंबर प्लेट में 786 चाहिए, फोन नंबर में 786 चाहिए, नंबर प्लेट में 786 लगाने में बहुत लोगों का इंटेंशन होता है कि शायद एक्सीडेंट नहीं होगा, और फोन नंबर में 786 लगाने में क्या मकसद है, हाँ लकी नंबर बोलते हैं। हाँ तो अभी बताइए क्या है, नंबर्स के हाथ में है, किसी नंबर के हाथ में कुछ नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई कलर नहीं है, हाँ कोई नंबर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं किसका मुंह देखा सुबह सुबह पूरा दिन अच्छा हो गया, हाँ या पता नहीं किसका मुंह सुबह सुबह देख लिया कि आज पूरा दिन खराब हो गया, हाँ हालांकि अच्छा बुरे का मालिक कौन है, अल्लाह है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, किसी के चेहरा देखने से दिन खराब होता है नहीं होता, ये कमजोरियां हैं इंसान की, अगर इंसान ये मानता है ना, ये मान मान के जीता है, क्या जी रहा है भाई, आजाद करो अपने आप को ये सब कमजोरियों से, एक रब से ताल्लुक जोड़ लो, उसके हाथ में सब कुछ है, कितना सुकून हो जाएगा जिंदगी में, कितने सारे टेंशन में आदमी झुलझता रहता है कि पता नहीं किसका मुंह देख लिया, पता नहीं कौवा काएं काएं कर रहा है, काली बिल्ली रास्ता काट रही है, कितने सारे प्रॉब्लम्स लोगों की जिंदगी में चलते हैं धागा बांधे हुए, अरे धागा खराब हो रहा है टूट जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, हाँ और तावीज पहना हुआ है अभी बोले तावीज वहां रह गया मेरा, पता नहीं क्या होने वाला है मेरा। मन अल्लाह का तमीमतन फकद अशरका, जिसने तावीज तमीमा लटकाया उसने शिर्क किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मन ताल्लका शैयन फकद बुखिला इलैही, जो कोई चीज लटकाता है उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है, उसका भरोसा होने लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कुरान वाला तावीज लटका सकते बाकी तावीज लटकाए तो शिर्क किया, इसमें फर्क नहीं किया कि तावीज लटकाया तो शिर्क किया, यहां ये होता है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें आप सबके सामने एक बेसिक दावत है, दावत क्या है, अपने अकीदे और ईमान में ये चीज जिंदगी भर के लिए बना लो, अपने ही नहीं घर वाले बच्चे दोस्त अहबाब किसको बता सकते हो बताओ, कि ये कहना कि अच्छा बुरा सिर्फ अल्लाह के हाथ में, बनाने वाला भी वही है, मालिक भी वही है, चलाने वाला भी वही है, जिंदगी मौत बीमारी शिफा रिस्क औलाद सब चीज उसी के हाथ में, उसी के ऊपर हमारा ईमान है, उसी के हाथ में सब कुछ है, एक के हाथ में सब कुछ है, बाकी सब मखलूक है वो खालिक है, बाकी सब का मालिक वही है, खिलाने वाला है उसे खाने की कोई जरूरत नहीं, उसे ना नींद की जरूरत है उसे ना आराम की जरूरत है, ये पहचानना कि किस जात पर हमने अपने ईमान रखा है, ये पहला ही बात है कि रुबूबियत, अल्लाह की रुबूबियत में अल्लाह की वहदानियत बरकरार रखना, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। अगर कोई इंसान सिर्फ इतना कह दे कि फला है रिज़्क़ देने वाले उनके हाथ में है, फला है औलाद देने वाले, फला है ये करने वाले, अगर ये चीज मान ले तो यहां पर आ जाएगा शिर्क। कुछ लोग बोले कर्म करने वाले फला कर्म, कर्म
कर्म देख करना भी अल्लाह के हाथ में, मदद करना भी अल्लाह के हाथ में। ये हो गया पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर कि अल्लाह के नामों और सिफतों में, अस्मा व सिफात, अल्लाह के नामों और सिफतों में तौहीद बरकरार रखना। यहां पे क्या बात है, आपको पता है अल्लाह के कई नाम है, हाँ लिल्लाही अस्माउल हुस्ना, अल्लाह की है कि है सारे खूबसूरत नाम, अल्लाह के जो नाम है वो सब खूबसूरत है। लिल्लाही अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के है खूबसूरत नाम, फदूहु बिहा, उन नामों से अल्लाह को पुकारो। कुरान में चार जगहों पर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह के है ये खूबसूरत नाम। कितने नाम है अल्लाह ताला के? लोगों में मशहूर है कि अल्लाह के 99 नाम है, हालांकि हम देखते हैं कि अल्लाह के कितने नाम है हमें नहीं पता। 99 नाम याद करने की खुसूसी फजीलत है सही बुखारी में, कि जो 99 नाम याद करेगा, फहफिजहू, उनको हफिजहू, उनकी हिफाजत करेगा, मतलब समझ कर पहचान कर उन पर ईमान रखेगा, दखल अल जन्ना, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि अल्लाह के कितने नाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अस अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुआ लका, ए अल्लाह मैं सारे नामों से तुझे पुकारता हूँ, समयता भी नफसक, जो तूने अपने आप को दिया, और अनजल ताफी किताबिक, या अपनी किताब में नाजिल किया, और अल्लम ता अहद मिन खल्किक, या तेरे मखलूक में से किसी को सिखाया, अविस्ता सरता भी फी इल्मिल गैबी इंदक, या जो तूने अपने इल्म गैब में अपने पास छुपा के रखा है। सुनिए अल्फाज, जो तूने अपने इल्म गैब में अपने पास छुपा के रखा है, ये क्या है? पता चला अल्लाह के कितने नाम है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अल्लाह के जितने भी नाम है सब पर हमारा ईमान है। अच्छा ये बताइए, सिफत, सिफत और नाम, अस्मा नाम प्लूरल, इस्म से आता है नाम, जैसे कहते हैं मसमुख, क्या नाम है तुम्हारा, तो अस्मा अल्लाह के नाम, सिफत की जमा सिफात, अल्लाह के नामों और सिफात में दोनों में अल्लाह की वहदानियत बरकरार रखना, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं है, वो तो है ही नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई कुफू बराबर नहीं है, लेकिन अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है, अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है। सूरह शुरा में है, सूरह 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिस्ली शय, अल्लाह के बमिस्ल कोई नहीं है। अरे भाई अच्छी बात है, जरा बताओ अगर ऐसा हम में से किसी के साथ हो जाए, आप बताओ अगर आपको वो रूम में वो लोग देख रहे हैं, वहां पे वो जो अलग रूम है उसमें कोई वो लोग कुछ बात कर रहे हैं, वो यहां आपको सुनाई देने लगे, तो कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? यहां मैं बोल रहा हूं ये भी सुनाई दे रहे, वो भी सुनाई देने लगे, और सोचो इससे और दायरा बनाओ, पूरे कुरला में जहां जहां जो जो लोग बात कर रहे हैं सब कुछ सुनाई देने लगे आपको, और आगे बढ़ के पूरे बॉम्बे में जो जो लोग जितनी भी बात कर रहे हैं सब कुछ सुनाई देने लगे, पूरी दुनिया में जितनी बातें हो रही है, जितनी आवाज हो रही है, जितनी मशीन जानवर जहां जहां जो भी आवाज हो रही है सब कुछ एक इंसान को सुनाई देने लगे, तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ी देर में पागल हो जाएगा। हाँ ये अच्छा है, नहीं सुनाई देता है, अच्छा है सुनाई नहीं देता है, जितना है वो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की जो सिफात है ना वो अल्लाह के लिए अच्छी है, हमारे लिए नहीं अच्छी है। हाँ अल्लाह ताला वो है असमी, सब कुछ सुनने वाला, गूंगे की पुकार सुनने वाला, दिल ही दिल में आदमी बात करता है अल्लाह, तो दिल ही दिल में हम जो पुकारते वो भी सुनता है अल्लाह ताला। हाँ अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाला है, ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुमुल अबसार, नजरें उसे इहाता नहीं कर सकती लेकिन उसकी पकड़ तो हर नजर पर है, जो हम अपनी नजर से देख रहे हैं ना वो अल्लाह भी देख रहा है। हाँ हर नजर पे पकड़ है अल्लाह की। हाँ तो अल्लाह के नामों और अल्लाह की सिफतों में अल्लाह की तौहीद बरकरार रखना है ना, अल्लाह के बराबर तो कोई है नहीं, अल्लाह के जैसा भी कोई नहीं है। अच्छा यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि सारे जो नाम है वो सिफत भी है, सारे जो नाम है अल्लाह के नाम है ना, अर रहमान अर रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अल सलाम अल मोमिन अल मुहिमिन अल अजीज अल जब्बार, जो सारे नाम है वो सिफतें भी है, जैसे अल्लाह का नाम है असमी, सब कुछ सुनने वाला, ये सिफत भी है, सिफत यानी खुसूसियत, हाँ क्वालिटी, ये क्वालिटी भी है, सब कुछ सुनता भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नाम है और सिफत नहीं, जैसे इंसानों में होता है ऐसा कि किसी का नाम है भाई आदिल, भाई आदिल का मतलब इंसाफ करने वाला, अब देखो तो वो आदमी बहुत जालिम है, ऐसे होते हैं कभी, हाँ या कोई है रहीम भाई रहम करने वाला, बहुत बेरहम है, तो ऐसा कभी इंसान में हो जाता है, लेकिन अल्लाह के ऐसा नहीं है, अल्लाह के नाम भी वो है अल्लाह की सिफत भी वो है, तो जो नाम है वो सिफत भी है
लेकिन सारे सिफात नाम नहीं है। लाता खुदहू सिनतों वाला नौम, उसे ना नींद ना ऊंग काबू में कर सकती है। ये क्या है? अल्लाह की सिफत है, ना नींद आती है ना ऊंग आती है। ये कोई नाम नहीं है, जिसे नाम नींद नहीं आती वो ऐसा नाम नहीं है अल्लाह का, ये सिफत है। हाँ, वह हुआ युत इमू वाला युत अमू, खिलाने वाला है उसे खाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या है? सिफत है। तो अल्लाह के नाम जो है, सब नाम सिफत है लेकिन सारी सिफात नाम नहीं है। तो कौन सा चैप्टर ज्यादा बड़ा चैप्टर है, नामों का या सिफतों का? हाँ, सिफात का चैप्टर ज्यादा बड़ा है। और हम देखते हैं कि जो एक गलत फहमी है लोगों में, लोग बोलते हैं कि सारे खूबसूरत नाम अल्लाह के हैं। ये रॉन्ग है। अल्लाह के सारे नाम खूबसूरत है, सारे खूबसूरत नाम अल्लाह के नहीं है। अब यूसुफ खूबसूरत नाम है, अल्लाह का नाम नहीं है। तो अल्लाह के सारे नाम खूबसूरत है, सारे खूबसूरत नाम अल्लाह के नहीं है। ये क्या मौजू है? ये मौजू के अंदर हकीकत में तौकीफ है। तौकीफ यानी क्या? वुकूफ से आता है, यानी रुक जाना। हमें जो साबित मिलता है कुरान और हदीस में, हम अल्लाह के बारे में बस वो बोल सकते हैं अपनी तरफ से, और कुछ नहीं बोल सकते। अब यहां बात क्या है कि इंसान क्या करते हैं ना, तारीफ जब करने लगते हैं ना किसी की, तो तारीफ करते 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 अल्लाह की खुसूसियात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के नाम, अल्लाह की सिफात उस इंसान को देने लगते। ये हो गया शिर्क। जैसे हिंदी में शब्द है भाग्यवान, एक है भगवान, अच्छे भाग्य वाला, फॉर्चुनेट आदमी, भाई अच्छी चीजें मिल रही है इसको, और एक है भगवान। तो लोग जब तारीफ करने लगते हैं तो एक इंसान को भगवान बना देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुतरूनी कमा अतरतन नसारा ईसा इब्न मरियम, सही बुखारी की हदीस है, मेरी तारीफ बढ़ चढ़ के मत करना जैसा ईसा इब्न मरियम की तारीफ ईसाइयों ने की, क्रिश्चियंस ने जैसे जीसस की तारीफ की, वैसे मेरी मत साथ नहीं करना तुम लोग। फैनी अब्दुल्लाह, क्योंकि मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। कहना अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल, हम कहते हैं ना अब्दुल्लाह व रसूलुल्लाह, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल थे, बस ऐसे बोलो। कितना अच्छी तालीम खुद के ऊपर सिखाया। हाँ, एक बार एक शख्स ने कह दिया माशा अल्लाह व मा शीत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप, जो अल्लाह चाहता है और जो आप चाहते हो। मुस्नद अहमद में हदीस है, सही सनद। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजालतनी वल्लाह अल्लम, क्या तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया? बल माशा अल्लाह वाहदा, नहीं ये कहो जो अल्लाह अकेला चाहता है। तो अल्लाह के नामों और सिफतों में अल्लाह की वहदानियत बरकरार रखना, इसमें अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं करना किसी को। ये हो गए हमारे दो पार्ट, खत्म हो गए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो सबसे डेंजरस, जहां पे सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, और वो है अल्लाह की उलूहिया, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत में अल्लाह की वहदानियत बरकरार रखना। लेकिन मेरे भाइयों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बात क्या है वो तो समझ लो, क्योंकि आपको अगर कॉमन सेंस से ये बात समझ में आ गई ना, सबसे पहले आप अपने आप को बचा सकोगे इंशाल्लाह जिंदगी भर के लिए, दूसरा किसी और को बचा सकोगे। क्योंकि याद रखो, ये जितनी बातें हम कर रहे हैं ना, बहुत सिंपल क्लियर है, बिल्कुल वाजे है, बहुत क्लियर है। इसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखा कि अल्लाह की रुबूबियत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। रब अल्लाह है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, हर चीज का मालिक वही है, हर चीज का चलाने वाला वही है, हर चीज का बनाने वाला वही है। ये हमने देखा। दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा कि अल्लाह के नामों और सिफतों में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। तीसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि अल्लाह की इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। अब यहां बात क्या है, बेसिक बात यह है कि इबादत क्या है, इबादत क्या है, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं करना, इबादत क्या है। इबादत के बारे में एक बहुत प्यारा डेफिनेशन इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने दिया। उन्होंने बताया अल इबादा इस्मुल जामे, इबादा एक जामे लफ्ज है, जामे यानी एक लफ्ज में बहुत सारी माने हैं। लिकुल लिमा युहिब्बुहुल्लाह व यर्दा, इसमें वो सारी चीजें आ जाती है जो अल्लाह जिससे खुश होता है, अल्लाह जिससे राजी होता है, अल्लाह को खास खुश करने के लिए इबादत वो सारे काम है। मिनल अक्वाल, चाहे कौल हो चाहे जुबान से हो, जैसे मिनल अक्वाल चाहे कौल जुबान से हो, जैसे जुबान से की हुई इबादत बताइए, दुआ, जिक्र, हा? तलबिया, जो भी जो जिक्र अस्कार है। मिनल अक्वाल वल आमाल, किए हुए काम हो, जैसे नमाज, रोजा, अज़ाहिरा वल बातिना, चाहे जाहिर हो, ओपन हो या बातिना, छुपे हो, छुपे हुए कुछ चीजें होती जो दिल की इबादत होती, जैसे अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह ताला पर बातें छोड़ना,
अज़ाहिरा वल बातिना। तो मेरे भाइयों यहां बात ये हो रही है कि सारी की सारी इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए। एक कॉमन सेंस की बात है कि जब सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है, जब सब चीज का मालिक अल्लाह है, कोई और किसी चीज का मालिक नहीं है, तो फिर इबादत किसी और की कैसे हो? क्या एक बंदा दूसरे बंदे की इबादत करेगा? सही बात क्या है, जब हर चीज का बनाने वाला अल्लाह है, तो क्या हम ऐसे की इबादत करेंगे जो खुद बना हुआ है? खुद बना हुआ है, क्या एक बना हुआ मखलूक दूसरे बने हुए मखलूक की इबादत करेगा? क्यों ना बने हुए की इबादत करेंगे जवाब, क्यों ना बना हुआ खालिक बनाने वाले की इबादत करें, मखलूक खालिक की इबादत करे, एक मखलूक दूसरे मखलूक की इबादत क्यों करे? जो किसी चीज का मालिक नहीं है उसकी इबादत कैसे करें? जो खुद अल्लाह का मोहताज है उसकी इबादत कैसे करें? हर चीज का जो मालिक है उसकी इबादत करें ना, जो अल्लाह के हाथ में सब कुछ है अल्लाह ही की इबादत करें। जो किसी चीज का चलाने वाला नहीं है उसकी इबादत क्यों करें? क्यों ना उसकी इबादत करें जो हर चीज का चलाने वाला है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके हाथ में कुछ नहीं उसकी इबादत क्यों करें? तो मेरे भाइयों सही बात क्या है, कॉमन सेंस की बात है कि सारी इबादत होनी चाहिए सिर्फ अल्लाह की। अब इस ताल्लुक से हम पहले दलायल देखेंगे, और दलायल में सबसे पहले दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। मेरे भाइयों मेरी बहनें, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हो, आपके अंदर एहसास है अल्लाह के एहसानों का, तो सबसे प्यारी और सबसे कीमती चीज आप इंसानों के लिए ये कर सकते हैं कि आप ये बात को सीखें और किसी को सिखाएं, आप सीखें और लोगों को बताएं। अगर आपने किसी को तौहीद का पैगाम बताया तो आपने सबसे प्यारी चीज बताई, सबसे कीमती चीज बताई। तो ये बहुत अहम है हम सब के लिए कि हम लोग ये बात को सीखें और सिखाएं कि वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह कहता है मैंने बनाया है जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए। और हम देखते हैं सूरतुल इसरा में सूरह 17 आयत नंबर 23 वकदा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला किया अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहू, कि तुम नहीं इबादत करो सिवाय अल्लाह की। इबादत किसकी होनी चाहिए? सिर्फ अल्लाह की, नहीं इबादत होगी सिवाय अल्लाह की। तो यहां पे बात क्या है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के, सारी इबादतों पर सिर्फ अल्लाह की हक है, क्योंकि कोई और इबादत के लायक ही नहीं है, अल्लाह ही है जो उन इबादतों के लायक है, क्योंकि वही है जो वो डिजर्व इट, कोई और डिजर्व ही नहीं करता, किसी और का उसका मुस्तहिक ही नहीं है कि इबादत की जाए। जो मखलूक है उसकी इबादत करेंगे, जो खुद मोहताज है उसकी इबादत करेंगे, जो खुद बना हुआ है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, जो किसी चीज का मालिक नहीं उसकी इबादत करेंगे। तो सही बात क्या है, सिर्फ अल्लाह इसका मुस्तहिक है कि अल्लाह की इबादत की जाए, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहू, नहीं इबादत करो सिवाय अल्लाह की। यहां पे क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम गॉड से भी मांगते हैं, इनसे भी मांगते हैं, अल्लाह से भी मांगते हैं, मखलूक से भी मांगते हैं। यहां पे क्या है, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं, तुझसे भी तलब करते नहीं, तुझसे ही तलब करते हैं। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहू, तुम्हारे रब ने मुकर्रर किया नहीं इबादत करो सिवाय अल्लाह की। तो नहीं करना है कोई और इबादत, यह है तौहीद कि किसी और की इबादत नहीं होगी। हमारी सारी इबादत, हमारी सारी वर्शिप, और सारे इंसानों के एतबार से सारी पूजा उपासना बंदगी सब चीज पर सिर्फ एक हमारे मालिक का हक है, किसी और का नहीं। सारी इबादत सिर्फ उसे एक मालिक के लिए। और हम देखते हैं कि कुरान की आयत है सूरह अनाम की सूरह 6 आयत नंबर 162, कुल कह दो उनसे इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, वो नुसुकी मेरी कुर्बानी, नमाज मेरी कुर्बानी, वो माहिया या मेरी जिंदगी, वो ममात मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह ही के लिए जो सारे जहानों का रब है। तो हमारी नमाज, हमारी कुर्बानी, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, सब अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है। सारी की सारी इबादतों पर किसका हक है? अल्लाह का हक है। हाँ, इबादतें किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, बहुत एक बेसिक बात है जो हम सबको समझना, बहुत बेसिक बात है, यही तो बात समझानी है भाई, कौन सा पहाड़ है। सबसे सिंपल बात, सबसे कॉमन सेंस की बात यही है कि सारी इबादत पर सिर्फ अल्लाह का हक है।